अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ न्यूज़ के साथ मैं हूं तनवीर अहमद। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर तालीम ने 15 मार्च से तमाम बोर्ड के इम्तहान मुलतवी कर देखते और फिर हालात को देखते ही वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तमाम बोर्ड के एग्ज़ाम्स को पूरी तौर पर मनसूख कर दिया और 14 मई को मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस में शफकत महमूद साहब ने ऐलान कर दिया कि तमाम बोर्ड के इम्तहान पूरी तरह पर ख़त्म किया जाए और स्टूडेंट को फ्री प्रमोट करने का ऐलान साथ साथ कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तालीमी इदारों को 15 जून तक बंद रहने का ऐलान भी कर दिया। अब ज़्यादातर लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या स्कूल वगैरह 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, मुल्तान, वहां पर जो है कोरोना के हालात शिद्दत से बढ़ती जा रही है और ऐसे शहर है जिन पर कोरोना का जो है वो असरात ज़्यादातर नहीं है। तो लोग सवाल उठाते हैं कि जहाँ पर कोरोना की जो हालात है बहाल है, तो वहाँ पर क्या ये स्कूल जो है ये 15 जुलाई तक बंद रहेंगे? तो इसके बारे में वज़ीर तालीम ने अभी तक ऐलान नहीं किया सही तौर पर, ना भरपूर वाज़ेह तौर पर जो है उसने ऐलान नहीं किया कि स्कूल जो है 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। लेकिन अगर हालात बहाल ना हो सके तो ऐलान करने का भरपूर चांसेस जो है वो मौजूद है। हालात इतने शदीद नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक जो है 15 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान नहीं किया। अब जब हालात सही ना हो सके 15 जुलाई तक, तो फिर ऐलान करना आसान होगा उनके लिए, क्योंकि इसने बड़ा कदम उठाया हुआ है एग्ज़ाम को कैंसिल करने का, तो ये भी ऐलान जो है उसके लिए आसान है। ठीक है, तो ये ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, जब तक ऐलान नहीं हो सकता तब तक हमें इजाज़त दीजिए। इसी तरह मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।